हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। एंड आज की ये वीडियो होने वाली है दोस्तों कि पैरट्स का जो पोटी प्रॉब्लम होता है वो किन किन कारणों से होता है एंड उसमें आप लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जो मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। क्योंकि पोटी से ही आप लोगों को पता चल जाता है कि आपका पैरट्स बीमार है या हेल्दी है। तो जैसे कि मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका पैरट्स का पोटी किस तरह से है, तो वो बीमार है, और किस तरह से है कि वो हेल्दी है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरा तरह से समझाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग एंड तक वीडियो पर बने रहे। एंड मेरी वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आती है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे मैं ऐसे वीडियो पोस्ट करता रहूँ और आप सभी के पास मेरी वीडियो पहुँचती रहे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते। तो सबसे पहले देखिए, पोटी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि इस तरह का और बहुत डिफरेंट टाइप का, जिस तरह का मैं दिखा रहा हूँ देख सकते हैं आप लोग, ब्लैक, रेड, ग्रीन, एवरी पोटी अलग अलग कलर का आता है। बट उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, तब जाके वो मतलब जो इस तरह का पोटी करता है। बट नॉर्मली जैसे पोटी करते हैं उस तरह का नहीं, जैसे कि आप लोगों में बताता हूँ। देखिए, एक दिन जैसे रेड पोटी किया तो कोई प्रॉब्लम, एक दिन ब्लैक पोटी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन सब से कोई प्रॉब्लम। बट आप लोग यदि डेली 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 देख रहे हो, यदि आप लोगों को नॉर्मल पूप से कुछ डिफरेंट टाइप का उनका पूप लग रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाओ कि आपका बर्ड्स बीमार हो सकता है या कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप यदि अपने पैरट्स को खाने के लिए कुछ दिए हो, जैसे कि आप लोग बीट रूट दिए हो या कैरेट दिए हो, रेड चीज़ का मैं बताता हूँ, आप लोग रेड खाना दिए हो तो आपका पैरट जल्दी रेड पोटी करता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप लोग यदि उस तरह का कुछ भी खाना नहीं दिए हो और वो यदि रेड पोटी कर रहा है, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रेड पोटी नॉर्मल पोटी नहीं होता है। दूसरा हो गया गाइस ब्लैक पोटी। तो देखिए, आप लोग कुछ जैसे कि खाने के लिए दिए हो, चना हो गया, काला चना हो गया, और बहुत सारे, तो काला उस तरह का खाने से आपका बर्ड्स पोटी जो करता है वो ब्लैक करता है। बट आप लोग उस तरह का यदि खाना नहीं दिए हो और वो यदि पोटी कर रहा है, तो फिर उससे प्रॉब्लम हो सकता है। इस तरह का आप लोग यदि देख रहे हो डेली डेली कि आपको अलग अलग तरह का पोटी दिख रहा है एंड रोज़ रोज़ उसी तरह का, जबकि आपने उस तरह का कुछ खाना उसे दिया ही नहीं हो और वो उस तरह का पोटी कर रहा है, तो उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, डेंजर पोटी होता है वो रेड पोटी होता है, ग्रीन पोटी होता है, लिक्विड पोटी होता है। इन तीन तरह का जो पोटी आपका बर्ड्स करता है, तो आपका बर्ड्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, रेड पोटी जो है वो यदि अंदर से उसको कुछ ब्लीडिंग हो रहा है, अंदर से उसको कुछ चोट आया, तो वो उसका खून, मतलब जो पोटी जब करता है तो उससे खून बाहर आ जाता है, तो उससे आप पता कर सकते हो कि आपका बर्ड्स का अंदर से कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो हो गया गाइस ग्रीन, तो ग्रीन पोटी जब पैरट्स बीमार होते हैं तभी वो ग्रीन पोटी करते हैं। नेक्स्ट जो हो गया गाइस वो लिक्विड पोटी, तो लिक्विड पोटी जब बर्ड्स को ठंड लग जाती है या वो लूज मोशन उन्हें हो जाता है, तो अब वो जाके वो लिक्विड पोटी करते हैं। बट जैसे कि ये सब आप लोगों को सिम्टम्स कुछ देखने को मिल रहा है, तो उससे आप जान सकते हो कि आपका बर्ड्स का कुछ प्रॉब्लम है। बट जो हेल्दी पोटी में आप लोग दिखाते देख सकते, इस तरह का आप लोग यदि पोटी करता है, इस तरह का पोटी नॉर्मली हेल्दी होता है। जिस तरह का मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को पोटी, वो नॉर्मली इस तरह का बर्ड्स पोटी करते हैं। इस तरह का हो गया गाय, जैसे कि पोटी के साथ व्हाइट व्हाइटनेस जैसे आप लोग दिख रहा होगा, तो ये नॉर्मल है, ये कुछ प्रॉब्लम नहीं। बट मैंने आप लोगों को पहले जैसे बताया कि इस तरह का यदि आपका बर्ड्स पोटी करता है, तो उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि लिक्विड पोटी जब सबसे ज़्यादा बर्ड्स जब ठंड लग जाता है तभी वो करते हैं, और लूज मोशन होने का टाइम, और अदर यदि आपका पोटी करता है तो उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। सो गाइज, आप लोगों को मैंने बता दिया कि आपका बर्ड्स को इस तरह का कुछ पोटी करता है, तो आपका बर्ड्स बीमार हो सकता है या कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है। यदि आप लोग नहीं जानते हो गाइज कि आपका बर्ड्स यदि बीमार है, इस तरह का पोटी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में पिक भेज के मुझे आप लोग पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्योंकि मेरी दी जो है वो एक बर्ड डॉक्टर है, तो उनसे मैं आप पूरा तरह से डिटेल लेके और आप लोगों को बता दूंगा कि आपका बर्ड हेल्दी है कि नहीं है। और आप लोगों को यदि भेट नहीं है आपके पास, तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। सो गाइज, आई होप से ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू।